सृजन कोचिंग सेंटर दहियाँ बाजार प्रयागराज से। आज की इस वीडियो में हम आपको अध्याय चार द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 के तीसरे और चौथे प्रश्न का हल इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। आइए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को पहले बारीकता से पढ़ना चाहिए कि चूंकि इसी में इसका पूरा हल छिपा रहता है। कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे माने किससे? रोहन से। तो अगर रोहन की उम्र अगर हमें पता चल जाए तो उसके उसके माँ की उम्र आसानी से आ जाएगी। तो इसलिए पहले हम रोहन की आयु मान लेते हैं। तो यहां लिखते हैं कि माना रोहन की आयु, रोहन की कैसी आयु? वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। माना रोहन की वर्तमान आयु यक्ष वर्ष, वर्ष में इसलिए मानना है चूंकि प्रश्न में दिया है। तो माना रोहन की वर्तमान आयु यक्ष वर्ष। अब देखो, जो उसकी माँ है उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो अर्थात रोहन की जितनी उम्र आपने माने आप मान लिए हैं उसी में आप 26 ऐड कर दीजिए। तो हम यहां लिखते हैं प्रश्नानुसार माँ की आयु, प्रश्नानुसार माँ की आयु। तो माँ की आयु, तो माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की उम्र जितनी हम लोगों ने माना है उसी में 26 जोड़ दीजिए, तो x प्लस 26 वर्ष। अब देखिए आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, माने अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। उनकी माने उन माँ और बेटे की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो इन दोनों का गुणनफल लिखने से पहले पहले हम दोनों की 3 वर्ष पश्चात की उम्र निकालेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, रोहन की आयु। अब देखो, कभी कभी बच्चे ये नहीं समझ पाते कि ये 3 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद। जैसे आज मान लीजिए कोई व्यक्ति 15 साल का है तो 3 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? 18 साल का हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर रोहन यक्ष वर्ष का है तो 3 वर्ष पश्चात कितने वर्ष का हो जाएगा? यक्ष प्लस 3 वर्ष। इसी तरह माँ, जैसे मोटे तौर पर जैसे माँ की उम्र अगर 27 साल हो तो 3 वर्ष बाद वो 30 साल की हो जाएगी। जैसे x प्लस 26 है तो उसमें 3 जोड़ दो तो x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात माँ, माँ की आयु, तो माँ की आयु या x प्लस 26 में 3 जोड़ दिया 29, तो x प्लस 29 वर्ष। अब देखो, जो गुणनफल दिया है प्रश्न में वो इन दोनों आयु का गुणनफल दिया है, इन दोनों। तो हम लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब कि प्रश्न के अनुसार, माने आगे की जो भी प्रक्रिया की जा रही है वो प्रश्न के शर्त पर की जा रही है। तो प्रश्न का की शर्त है कि 3 वर्ष पश्चात का ये गुणनफल है, तो ये जो दोनों की हमने 3 वर्ष पश्चात की उम्र निकाल लिए हैं इन्हीं दोनों का गुणनफल 360 लिखना है। तो इसलिए प्रश्नानुसार लिखकर यक्स प्लस 3 इंटू यक्स प्लस 29 बराबर 360। तो हम इन दोनों का गुणांक कर लेते हैं। तो यक्ष का देखिए, सॉरी, यहां जो 360 है हम लिख दिए हैं, ये 306 है प्रश्न में, 306, इसलिए इसको 306 आप बना लीजिए, 306 बना लीजिए। तो अब इन दोनों का गुणांक कर लीजिए। यक्ष यक्ष का गुणांक क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणांक करेंगे तो 3x प्लस इसका गुणांक करेंगे तो 29x प्लस 29 + 27 बराबर 306। अब देखिए, फिर से एक बार हम गुणा को चेक कर लेते हैं। x का x में गुणा x स्क्वायर, x से गुणा 3 में करेंगे 3x, 29 का x में गुणा करेंगे 29x, 29 का गुणा 3 में करेंगे 3 × 9 = 27 + 6 = 28 = 87 बराबर 306। अब देखिए, इसमें x स्क्वायर केवल यही अकेला है, 3x और 29x को अगर हम जोड़ेंगे तो 29 + 3 = 32, तो प्लस कितना दिया? 32x, हाँ,
प्लस कितना 87 माइनस 306 बराबर कितना 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस ये 6 में से 16 में से 7 गए 9, अब यहां बचेगा 9, 9 में से 8 गए 1, यहां क्या बचेगा 2, 219 बराबर कितना 0। चूंकि देखिए प्रश्न में ऊपर निर्देश में दिया है प्रश्न में कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, इसलिए मैंने इसको द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करके यहीं पर इसको छोड़ देना है। कुछ लोग इसका आगे हल भी दे देते हैं, पर यहां हल देने की कोई विशेष आवश्यकता इस समीकरण के लिए नहीं है, तो हम यहां लिख देते हैं अतः यही इसका अभीष्ट हल होगा, अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, अभीष्ट द्विघात समीकरण है, समीकरण है। आइए हम आपको प्रश्न संख्या 4 को भी इसी वक्त बता देता हूं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हमको इस प्रश्न में रेलगाड़ी की चाल को मानना पड़ेगा, और कैसी चाल, सामान्य चाल, चूंकि प्रश्न में दिया है सामान्य कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती, तो हम यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं दूरी, कितनी दूरी तय करना है 480 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो अर्थात हमारी दूरी कितनी हो गई 480 किलोमीटर। अब इसी दूरी को एक रेलगाड़ी अपने समान चाल से तय करती है, तो वही हम पहले समान चाल को यहां पर मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की कैसी चाल भैया, समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल कितना मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखो दूरी अगर किलोमीटर में दी गई है तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटा मान लेना चाहिए, अगर दूरी मीटर में दी हो तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चाल को मान लेना चाहिए। तो हमने माना रेलगाड़ी की समान चाल x की प्रति घंटा है। अब देखो अगर यही रेलगाड़ी जिसकी चाल हमने x की प्रति घंटा मान लिया है, अगर ये अपनी इस चाल से इस दूरी को तय करे तो उसको समय काल क्या लगेगा, हम यहां लिखते हैं इसलिए समय बराबर, तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 480 और बटा चाल कितना है x किमी प्रति घंटा, तो 480 बटा x, 480 बटा x हो जाएगा, दूरी समय बराबर दूरी बटा चाल सूत्र होता है। तो देखो दूरी 480 किलोमीटर है और चाल क्या है x की प्रति घंटा, चाहे तो यहां पर आप इसको सो करके काट भी सकते हैं, 480 किलोमीटर और बटे में x किमी प्रति घंटा, तो km से km आपका कट गया 480 बटे x घंटा, माने इतने घंटे का समय लगेगा उस रेलगाड़ी को यदि वह इस दूरी को इस चाल से तय करेगी तब। लेकिन प्रश्न में कहा है कि यदि इसकी चाल 8 की प्रति घंटा कम होती, अर्थात जितना हमने चाल माना है उससे 8 की प्रति घंटा कम होती, तो हम यहां लिख देते हैं कि पुनः प्रश्नानुसार चाल, पुनः प्रश्नानुसार चाल, तो पुनः प्रश्नानुसार चाल जो चाल हम माने हैं उसमें हम क्या कर देते हैं 8 की प्रति घंटा कम कर देते हैं, तो x माइनस 8 किमी प्रति घंटा, अब ये हमारी चाल हो गई। लेकिन दूरी वही हमारी रहेगी जो 480 किलोमीटर दूरी प्रश्न में दी गई है, दूरी वही रहेगी, चाल में परिवर्तन हो गया, तो चाल ये हो गया और दूरी वही रहेगी, इसलिए समय बराबर। अब देखो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 480 और चाल क्या है x माइनस 8, अब यहां भी km रहेगा यहां भी km रहेगा, तो km से km कट जाएगा, घंटा बचेगा, तो 480 बटा x माइनस 8 घंटा। तो देखो जब 480 किलोमीटर की दूरी को x किमी प्रति घंटे की चाल से तय कर रही है तब उसको इतना समय लगेगा, और जब वही दूरी इस चाल से तय करेगी तो उसको इतना समय लगेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब किसी चीज की चाल को कम कर दिया जाएगा तो उसके द्वारा दूरी तय करने में, उसी दूरी को तय करने में अधिक समय लगेगा, अर्थात इस पर अगर ये समय, कहने का मतलब कि इस पर ज्यादा समय लगेगा और इस पर कम, तो अगर जो प्रश्न में दिया है कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है
अर्थात कहने का मतलब कि एक मोटे तौर पर कि अगर ये इस पर अगर 5 घंटे भी तय कर रही है तो इस पर 8 घंटे भी तय करेगी प्रश्न के अनुसार, है ना। इसलिए हम यहां पर लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार, क्या लिख देते हैं भैया, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या होगा कि इस वाले समय में से इस वाले समय को घटा दिया जाए तो 3 घंटे आ जाएगा, चूंकि लिखा है ना कि वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे थी, अर्थात ये ज्यादा लिखा हुआ है और ये कम। अगर इस पर 8 घंटे लग रहा है तो इस पर 11 घंटे, अर्थात अगर इस वाले समय में से इस वाले समय को घटा दिया जाए तो 3 घंटे आ जाएगा और समीकरण भी हमारा बन जाएगा। तो 480 - 8 - 480 / x = 3, चूंकि देखो ये भी घंटे में है और ये भी घंटे में है तो जब दोनों को एक दूसरे में से घटाएंगे तो घंटा ही प्राप्त होगा। तो 480 - x - 8 - 480 / x = 3। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। देखो दोनों पद में 480 हम कामन ले लेते हैं, चूंकि दोनों पद में 480 480 है तो यहां बचेगा कितना 1 / x - 8 माइनस यहां क्या बचेगा 1 / x बराबर कितना 3। अब देखो इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो x करना x माइनस इसका गुणा इसमें होगा, लेकिन इनके दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि बीच में डेढ़ लगा हुआ है, तो -x + 8 और बटे में इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो x² - 8x बराबर कितना 3। ये जो 480 यहां गुणे में है यहां आकर ये बटे में हो जाएगा, ठीक। अब आपको ये देखना है कि ये प्लस x से आपका ये माइनस x कट गया तो आपका बचा कितना 8 / x² - 8x = 3 / 3 3 से काट दीजिए इसको 160, चूंकि 3 * 3 3 से 160 तो यहां बन गया 1 / 160। अब अगर हम इसका त्रियक गुणा कर लें तो 1 का गुणा इन दोनों में होगा और 8 का गुणा इसमें होगा तो ये बनेगा x² - 8x = 1628 128। हाँ अब चूंकि 160 था इसलिए 0 और बढ़ा दीजिए तो 1280 बन गया, तो हम यहां ला देंगे इसको x² - 8x - 1280 = 0। यही जो है इस कथन के लिए जो प्रश्न में कथन दिया है ये कथन हमारा ये द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। कुछ लोग इसको हल भी कर देते हैं आगे चलकर, लेकिन चूंकि प्रश्न के निर्देश के अनुसार इतने पर ही इसको छोड़ दिया जाए। भले ही प्रश्न में कहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, लेकिन केवल इसके को कथन के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है तो हम यहां लिख देते हैं कि अतः यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ठीक। तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्नावली 4.1 के समस्त प्रश्नों को हमने क्रमवार वीडियो के माध्यम से दे दिया। अब हम अगले वीडियो में इसी अध्याय की अगली प्रश्नावली 4.2 के संदर्भ में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर हमारी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे आगे बढ़ाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।